ये क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार 4G सिम को अपने 3G फ़ोन में चला सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा नोकिया एक्सेल का फ़ोन है जो कि 3G है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार इसमें 4G सिम चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, आपको CPU Z नाम की एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर में होगा। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इसे ओपन कर लीजिए। ये मेरा देखिए स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है जो कि 3G फ़ोन है। ये नोकिया एक्सेल जो कि 3G फ़ोन है। उसके बाद अब आपको फिर से प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और उसमें MTK इंजीनियरिंग मोड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने किया। फोन इन्फो में जाइए, सॉरी, फोन इन्फो में। उसके बाद इस पर सेलेक्ट कीजिए LTE Only। ये क्या सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही है? ये क्या हो गया? सेलेक्ट हो ही नहीं रही है दोस्तों। तो क्या सोचते हैं आप, इससे क्या पता चला आपको? ओफो, ये क्या हो गई यार, 4G इसमें LTE सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? ओफो दोस्तों, तो इसमें ये अपडेट हो ही नहीं रही है 4G LTE। तो आप जो है, आप जोरोवेयर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जोरोवेयर। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। चेंज लोगो, ये अब तो ओपन ही नहीं हो रही दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या सोच रहे हैं कि आपके फोन में 4G सिम काम करेगा? जी नहीं दोस्तों, इस प्रकार की YouTube पे आपको काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी कि 3G फोन में 4G सिम सपोर्ट करता है। दोस्तों, तो आप इस भ्रम में काहे रह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। हमने इसमें काफ़ी ट्राई किया और इसमें 4G सिम चालू होता ही नहीं, मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो आप इस भ्रम को भूल जाइए। तो इससे ये पता चलता है कि आप 3G फोन में 4G सिम नहीं चला सकते हैं दोस्तों। ये सभी आपको उल्लू बना रहे हैं YouTube पे सभी आपको उल्लू बना रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपको अगर 4G का मज़ा लेना है तो आप जो है 4G का हैंडसेट खरीद लीजिए। 1000 रुपये के आसपास में आता है और आप उसमें जियो का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।